A very good morning students and welcome to another class. Today I am going to deal with lecture number 6 from chapter number 5 class 12th principles of inheritance and variations. Students previous class mein humne Mendelism complete kar liya tha jisme humne Mendel ke teen niyam law of dominance law of segregation jise hum purity of gametes भी बोलते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में चर्चा की थी. आगे स्टूडेंट्स हम टॉपिक लेते हैं जो कि मेंडलिज्म से डिफ्लेक्शन दिखाने वाले एग्जांपल्स का है. तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे आप हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो इसकी डिफाइन यदि हम देखें तो सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि मेंडल ने अपने रूल के अकॉर्डिंग कहा है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. अकॉर्डिंग आप राइट भी करते हुए चलेंगे, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट करेक्टर, जो डोमिनेंट करेक्टर है मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन में मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जो डोमिनेंट करेक्टर है वो प्रेजेंट होना चाहिए. बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दे शो, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, दे शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस रूल, जो कि इस रूल से विचलन दिखाते हैं, डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर बात करेंगे आगे. तो देर आर सम ऑर्गेनिजम्स दे शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस रूल. दीज organisms, these organisms produces an intermediate these organisms produces an intermediate F1 generation which is different from both the parents. तो स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन आती है वो दोनों ही पेरेंट्स से अलग होती है और इंटरमीडिएट करेक्टर वाली शो होती है. अभी हम यहाँ पर आगे एक एग्जांपल लेते हैं मिराबिलिस जलापा प्लांट का, जिसे हम 4 o'clock प्लांट या गुलेबास भी कहेंगे. तो स्टूडेंट्स ये राइटअप आप अच्छे से उतार लीजिए और समझ लीजिए वापस कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से हमारा क्या मतलब है.
इसे हम हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। और मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट करेक्टर है वो एफ1 जनरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, दे शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस रूल, जो कि इस रूल से डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, विचलन दिखाते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा विचलन, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, या हम इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स अपवाद है ये, दीज ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस करेंगे इंटरमीडिएट एफ1 जनरेशन, एक ऐसी एफ1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंटरमीडिएट होगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, जो कि दोनों ही पेरेंट्स से अलग होगी। इस प्रकार से आप राइट करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका मिराबिलिस जलापा प्लांट। तो आप आगे राइट करेंगे एग्जाम्पल, आगे अपन लिखते हैं फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस जलापा प्लांट। फर्स्टली कार्ल कोरेंस discovered the incomplete dominance in this plant। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कार्ल कोरेंस था। आप अच्छे से राइट करेंगे, दिस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज फोर ओ क्लॉक प्लांट और गुलेबास प्लांट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस प्लांट के दो नेम और है, आप अच्छे से याद करेंगे। फोर ओ क्लॉक प्लांट भी मिराबिलिस जलापा को बोला जाता है, गुलेबास भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर यदि हम फ्लावर कलर की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फ्लावर कलर के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। दिस प्लांट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर कलर दैट इज रेड पिंक एंड व्हाइट। तो फ्लावर कलर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है वो तीन प्रकार का हो जाएगा। दिस प्लांट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इस प्लांट के तीन प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के आधार पर रेड पिंक और वाइट। आप अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब रेड कलर फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस वाइट कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट के साथ करवाया गया, तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग जो F1 जनरेशन आनी चाहिए थी वो सारी की सारी रेड कलर की आनी चाहिए थी, क्योंकि रेड कलर डोमिनेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेनी हमें मिली वो सारी की सारी पिंक कलर वाली थी। तो स्टूडेंट्स आप राइट करेंगे, व्हेन रेड कलर्ड प्लांट
क्रॉस्ड विथ व्हाइट कलर्ड प्लांट प्लांट्स एंड F1 जनरेशन प्रोड्यूस्ड. जब रेड कलर्ड प्लांट का क्रॉस व्हाइट कलर्ड प्लांट्स के साथ कराया गया स्टूडेंट्स, तो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, उत्पन्न हुई. हियर ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर पिंक कलर्ड. तो स्टूडेंट्स, यहां पर F1 जनरेशन के सारे जो प्लांट थे वो पिंक कलर्ड फ्लावर वाले थे. तो यहां पर ये डिफ्लेक्शन आ गया, रेड कलर वाले ने मिलकर वो पिंक कलर वाले मिले थे. आफ्टर सेल्फिंग इन F1 जनरेशन, अब आगे जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई गई, आफ्टर सेल्फिंग इन F1 जनरेशन F2 जनरेशन प्रोड्यूस्ड. F2 जनरेशन यहां पर प्रोड्यूस हुई एंड फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो था रिमेंड सेम, दैट इज 1:2:1. तो स्टूडेंट्स, जब F2 जनरेशन यहां पर प्रोड्यूस की गई तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो यहां पर देखा गया तो वो एक जैसा रहा. फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 यहां पर रहा, जो कि मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो से डिफ्लेक्शन दिखाता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो तो हमारा ये आता है, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है वो 3:1 आता है. तो 3:1 रेशियो यहां पर नहीं मिलकर 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो भी यही था और जीनोटाइपिक रेशियो भी यही था. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अच्छे से राइट करेंगे. आगे हम क्रॉस भी करवा लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेड फ्लावर्ड प्लांट ले लेते हैं, सिंबॉलिक जो हमने पहले भी करवाए हुए हैं, कैपिटल RR. इसका क्रॉस हम कराएंगे स्मॉल RR. ये आपका रेड कलर्ड फ्लावर हो जाएंगे और ये आपके वाइट कलर्ड फ्लावर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, ये आपके पेरेंट जनरेशन हो जाएगी या पेरेंट्स हो जाएंगे. जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया स्टूडेंट्स, तो कैपिटल R और स्मॉल R जनरेशन मिली, F1 जनरेशन इसे कहा गया. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑल पिंक प्लांट्स, सारे के सारे जो प्लांट्स यहां पर मिले स्टूडेंट्स वो पिंक कलर के प्लांट्स थे. फिर यहां पर सेल्फिंग कराई गई और सेल्फिंग स्टूडेंट्स हम इसमें करवाएंगे तो हम देखते हैं यहां पर गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल R और स्मॉल R एक गैमेट और कैपिटल R और स्मॉल R दूसरा गैमेट. तो इस प्रकार से गैमेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स. आगे हम चेकरबोर्ड बनाते हैं. इसको मैं इधर शो कर रहा हूं स्टूडेंट्स, चेकरबोर्ड को आप अच्छे से देखेंगे तो जो हमारा चेकरबोर्ड बनेगा स्टूडेंट्स या पुन्नेट स्क्वायर जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा. आप देखिए, तो स्टूडेंट्स जब हम पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R और स्मॉल R, यहाँ पे आपका जाएगा कैपिटल R R, कैपिटल R और स्मॉल R,
कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर आर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो कैपिटल आर आर वाली प्रोजेनी है वो रेड कलर वाली होगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर जहाँ पर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगी यानी पिंक कलर वाली होगी, तो दो पिंक वाली हो जाएगी और ये आपकी वाइट कलर वाली होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेशियो आएगा कैपिटल आर आर उसका रेशियो 1 आएगा। आप देख लीजिए चेकर बोर्ड में कैपिटल आर और स्मॉल आर का 2 आएगा और स्मॉल आर आर का आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम रेशियो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक भी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसे शो करना भी सीखेंगे, बनाना भी सीखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप किस प्रकार से शो करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे का टॉपिक स्टूडेंट्स हम लेते हैं कोडोमिनेंस, और ये कोडोमिनेंस भी स्टूडेंट्स मेंडल के प्रभाविता के नियम की अपवाद है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के दो अपवाद आप हमेशा याद रखेंगे। देयर इज प्रेजेंट टू एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, नंबर फर्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड नंबर सेकंड इज कोडोमिनेंस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स आगे का टॉपिक हम लेते हैं कोडोमिनेंस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसे हम सहप्रभाविता कहेंगे, जो दोनों फैक्टर होंगे वो आपस में सहप्रभावी यहां पर पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिनन इस फिनोमिनन के अनुसार बोथ द फैक्टर्स शो देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन equally। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करेक्टर ही अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन जब दोनों के दोनों ही करेक्टर या फैक्टर्स अपने इफेक्ट इक्वली शो करेंगे तो उस फिनोमिनन को हम कोडोमिनेंस फिनोमिनन कहेंगे। और यहां पर जो है वो ब्लेंडिंग नहीं हो स्टूडेंट्स, आप ये भी याद रखेंगे, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि यहां पर मिक्सिंग नहीं हुई है दोनों ही करेक्टर की, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स। दोनों ही करेक्टर्स ने अपने प्रभाव को शो किया है जबकि वहाँ यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं पाई जाएगी। आप बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स जो है वो आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कोडोमिनेंस का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हम देखेंगे। इट कैन बी सीन इन कैटल, मवेशियों के अंदर इट कैन बी सीन इन कैटल फॉर कॉट कलर, जो इनका स्किन का कलर है स्टूडेंट्स कॉट कलर कैटल्स में मवेशियों में, उसमें ये फिनोमेनन आसानी से देखी जा सकती है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात करें व्हेन ए ब्लैक कलर्ड कैटल क्रॉस्ड विथ व्हाइट कलर्ड
कैटल, देन F1 जनरेशन वॉज रॉन कलर्ड। तो स्टूडेंट्स, जब यहां पर ब्लैक कलर्ड कैटल का क्रॉस व्हाइट कलर्ड कैटल के साथ करवाया गया, तो F1 जनरेशन में सारी की सारी जो प्रोजेनी आई वो रॉन कलर वाली थी, यानी उसमें ब्लैक प्लस व्हाइट दोनों ही कलर उस प्रोजेनी में थे। कहीं कहीं पर वो ब्लैक कलर वाली थी और कहीं कहीं पर वो व्हाइट कलर वाली थी, क्योंकि दोनों ही फैक्टर ने अपने आप को कोडोमिनेंट किया है। वापस बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, देयर इज नो ब्लेंडिंग, कोडोमिनेंट किया है दोनों ने अपने आप को। आगे हम देखते हैं इस कोडोमिनेंस में स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम पुन्नेट स्क्वायर बनाकर इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आप इसके लिए भी पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, हमारे पास एक हो जाएगा ब्लैक प्रोजेन, एक हो जाएगा ब्लैक पेरेंट, और दूसरा हम इससे इसका क्रॉस कराएंगे व्हाइट पेरेंट के साथ। इसे हम ले लेते हैं R1, और इसे हम ले लेते हैं R2। तो ये हमारी पेरेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस करवा रहे हैं हम कोडोमिनेंस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स वो कोडोमिनेंस ही चल रहा है, और उसी के एग्जांपल को हम डायग्रामेटिक भी देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स रूल ब्लैक कलर की प्रोजेनीज आनी चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी प्रोजेनी थी स्टूडेंट्स वो रॉन कलर वाली थी, रॉन प्रोजेनी यहाँ पर मिली, यानी रॉन का मतलब हो गया उसमें ब्लैक कलर भी था और व्हाइट कलर भी था, क्योंकि दोनों ने अपने आप को कोडोमिनेंटली यहाँ पर शो किया है। आगे जब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर एनिमल्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फिंग नहीं बोलेंगे या सेल्फ पोलिनेशन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर सिब मैटिंग कहेंगे। तो आप आगे सिब मैटिंग लिखेंगे, सिबलिंग के बीच में जो मैटिंग होगी, तो हमने यहाँ पर मैटिंग करवाई है सिब मैटिंग R1 एंड R2। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर हम गैमेट्स बनाते हैं R1, दूसरा गैमेट R2 बन जाएगा, R1 दूसरा गैमेट R2 बन जाएगा, और हम यहाँ पर वापस पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इसका भी, कि किस प्रकार से कोडोमिनेंट पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि यहाँ पर भी किस प्रकार से हमें रेशो मिलेगा, एक जगह हम R1 और एक जगह हम R2 लेंगे, एक जगह हम R1 और एक जगह हम R2 लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर R1 आ जाएगा, यहाँ पर R1 R2 आ जाएगा, इसी तरह R1 R2 एंड R2 एंड R2। तो स्टूडेंट्स इस पुन्नेट स्क्वायर से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा। तो आप देखेंगे जो R1 है वो ब्लैक, यानी एक कैटल या एक F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी होगी, ऑफस्प्रिंग होगी, वो ब्लैक होगी, दो आपकी रॉन होगी और एक वाइट होगी। तो यहाँ पर अगर हम रेशो लिखें स्टूडेंट्स, तो 1:2 R1 R2 का रेशो 2 आएगा, R2 और R2 का रेशो आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी स्टूडेंट्स फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों के दोनों रेशियो जो है वो एक समान होंगे, सेम फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों के लिए जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज हो जाएंगे वो सेम होंगे 1:2:1। ये मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, विचलन दिखाते हैं। तो आप दोनों ही एक्सेप्शन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। कुछ दो एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं कोडोमिनेंस के। एक एग्जाम्पल तो आपका हो गया कोड कलर इन कैटल्स, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम केवल आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे, AB
ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस, जो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी मिलता है वो भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे करियर, करियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है स्टूडेंट, उसका जो करियर होता है उसकी हम यहां पर बात करेंगे, एच बी ए एंड एच बी एस। तो ए और एस स्टूडेंट्स ये कोडोमिनेंस फैक्टर्स हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आप और अच्छे से लर्न करेंगे जो कि कोडोमिनेंस के एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और आगे के लेक्चर में हम और भी जेनेटिक्स से संबंधित काफ़ी अच्छी बातें पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करिए ताकि आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज बना सके। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के पर्पज़ से भी ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।